बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में शुमार बिंदु का जलवा एक समय फिल्म इंडस्ट्री में चलता था। उनकी एक्टिंग की तारीफ हमेशा ही की जाती थी। उन्होंने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अहम जगह बनाई थी। ऐसा कोई स्टार नहीं जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया हो। वैसे भी अगर कोई चीज मेहनत से की जाए तो वो हमेशा आगे ही ले जाती है। एक्ट्रेस बिंदु ने ये साबित कर दिया था कि अगर आप में हुनर है तो आप किसी भी रोल को पॉजिटिव बना सकते हो, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो। लेकिन आज ही अभिनेत्री कहाँ और किस हाल में है, इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बोल्ड एवं ब्यूटीफुल बिंदु का वो दौर था जब ये माना जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती। तब उस दौर में बिंदु ने सारी कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया। बिंदु ने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया और उन्होंने ऐसे रोल्स चुने जिसके कारण उन्हें लोगों के ताने भी झेलने पड़े। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए बिंदु ने खुद को आगे बढ़ाया। बिंदु का पूरा नाम बिंदु नानू भाई देसाई है, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई देसाई की बेटी है। वो थिएटर में हमेशा से ही दिलचस्पी लेती थी और हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बिंदु एक्ट्रेस वैजयंती माला की बहुत बड़ी फैन थी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर शुरू करने के बाद बिंदु ने पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके बाद ही उन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते दोनों फिल्में मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन और अवार्ड भी मिले। वैसे तो बिंदु हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि वो बहुत पतली हैं और फिल्म दो रास्ते से ही बिंदु ने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए। वैसे तो बिंदु के पिता खुद एक प्रोड्यूसर थे और वो जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बिंदु डॉक्टर बने। बिंदु ने अपने स्कूल में कई नाटकों में हिस्सा लिया और उनके दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी, पर ये सब कुछ बिंदु के घर वालों को कतई पसंद नहीं था। फिल्म कटी पतंग में बिंदु का डांस नंबर मेरा नाम शबनम तो शायद आपने देखा ही हो। उन्हें उनके शब्बों वाले रोल के लिए जाना जाता था। शादी के बाद उन्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, लेकिन कभी उन्हें किसी हीरोइन से कम नहीं समझा गया। 1977 से 1980 के दौर में बिंदु को मिसकैरेज और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें डांसिंग करने से मना कर दिया और पर्दे की ये ग्लैमर वैम्प वहीं रुक गई और फिर से वो ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी नहीं कर पाई। बिंदु ने 1980 के दशक में पर्दे पर वापसी की और मैच्योर रोल निभाए। उन्होंने फिल्म जैसे हीरो, अलग अलग, बीवी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया में खुद को स्थापित किया और खड़ूस माँ, सास और आंटी का किरदार निभाया। हालांकि आज ये 81 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी बूढ़ी नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बिंदु पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।